खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। रफान कादिर का कहना है कि ऑडियो लेक्स में ऐसे शवाहिद आ रहे थे जिनसे करप्शन का अंसर मिलता है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए एहसान इरफान कादिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात लाने का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि रियासत के नाम पर पैसा एक शख्स के अकाउंट में आने से टैक्स बचाया गया, जब तक एहतसाब नहीं होगा करप्शन खत्म नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों का एहतसाब हो और बाकी लोगों से पूछ गुछ न हो। करप्शन के खात्मे तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आला अदलिया नैब कानून के दायरा इख्तियार में आती है, फौजदारी करप्शन का अंसर हो तो जजेस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा नैब कानून के तहत ट्रायल हो सकता है। इरफान कादिर ने बताया कि ऑडियो लेक्स में ऐसे शवाहिद आ रहे थे जिनसे करप्शन का अंसर मिलता है। हुकूमत ने उन्हीं के बरदर जजेस का कमीशन बनाकर एहतियात से काम लिया।